संपूर्ण गुरु जब हमें मिलते हैं, वे हमें किस बात की शिक्षा देते हैं, वे मौन में कैसे आनंद लें, इसकी पहचान कराते हैं। क्योंकि अगर पहचान है तो आप मौन में जाकर आओगे तो खुश होकर बाहर आओगे। जब हम मौन में बैठते हैं तो पहले हमें पहचान कराई जाती है। पहचान होने के बाद आप मौन से जब बाहर आते हो तो वही नहीं होते जो मौन में गया था। हर रात गहरी नींद से जब जाकर आते हो तब आप सुबह वही उठते हो, उसी मान्यता उसी समझ के साथ सुबह उठते हो। 8 घंटे की समाधि में भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो संपूर्ण गुरु जो है वह क्या करता है, वह मौन से पहचान करवाता है। जब आप मौन को पहचान पाते हो तो जब मौन से बाहर आते हो तो कैसा आनंद होता है। जैसे आप किसी फिल्म स्टार से मिलकर आए, आपका फेवरेट फिल्म स्टार, उससे मिलकर आए तो आपके अंदर कैसी खुशी होती है। मौन से जाकर आने के बाद क्या वैसी खुशी होती है? नहीं होती। यदि तो इसका अर्थ पहचान नहीं है। उस फेवरेट फिल्म स्टार की पहचान आपको हुई है कि उसे कहाँ कहाँ अवार्ड्स मिले हैं, कौन सी फिल्मों में अच्छी एक्टिंग की है, वो सब सीन्स आपको दिखाई देती है। इसलिए आप जब मिलकर आते हो तो बड़े खुश होते हो कि बड़ी हस्ती से मिलकर आए हैं। जब भी मिलकर आओगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है। मगर मौन से मिलकर जब वापस आए तो कैसा लगना चाहिए यदि पहचान है, और कैसा लगता है आज हमें, तो वह समझ वह पहचान संपूर्ण गुरु देते हैं। ताकि जब आप कुछ समय भी मौन में जाकर आए तो बाहर वही नहीं आए, बदल कर आए, एक कन्विक्शन के साथ आए। कन्विक्शन दृढ़ता अपने होने की, मैं कौन हूँ। तो जब बाहर आओगे तो आपका व्यवहार कैसा होगा, बदल जाएगा। पहले पहचान नहीं है तो गुरु की आज्ञा है इसलिए जाकर आते हैं। आज्ञा है इसलिए हम करते हैं, मौन में जाते हैं। मगर बाद में पहचान होने लगती है तो पता चलता है क्यों ये आज्ञा दी गई, ये हमारे लिए थी। तो सभी कुछ मिनट्स मौन में अब जाएंगे इस समझ के साथ कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। सभी आंखें बंद करके
सभी आंखें खोलेंगे। कैसा लग रहा है मौन में जाकर आने के बाद? पहचान शुरू हुई है तो मौन में जाओ तो अपने आप को याद दिलाओ, मैं मौन में जा रहा हूं तो कहां जा रहा हूं, किस जगह जा रहा हूं, कौन जा रहा है, ताकि मौन से जब बाहर आओ तो आपको आनंद आना चाहिए। नींद का आनंद उसमें बोर नहीं होते। रोज आप सोते हो, कहते हो क्या बहुत नींद करके बोर हो गया आज नहीं सोता, ऐसा नहीं कहते ना? क्यों नहीं कहते? बोर तो होना चाहिए, वही तकिया होता है, वही बिस्तर होता है, सब सेम सेम, फिर भी बोर नहीं होते। तो मौन से पहचान नहीं हुई ना, इसलिए थोड़ा बोरिंग लगता है उसको, बाद में करके पूरा दिन खत्म हो जाता है। तो इसलिए सुबह उठते पहला काम खत्म वही करो। मौन में जाकर आओगे तो अभिव्यक्ति का आनंद लोगे, पहचान के साथ रहोगे तो आनंद आएगा, और बाहर आओगे तो वैसे ही नहीं रहोगे जो पुराना इंसान था। अभ्यास के साथ आप खिलते जाओगे, खुलते जाओगे, पहचानते जाओगे खुद को। तो ये जो बताया गया है, इसलिए बताया गया